हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी 24/7 में। दोस्तों, आज की इस बेसिक मैथ सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं बहुपद का भाग यानी कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें दोस्तों आप सभी के सामने एक प्रश्न लिया गया है और इन्हीं एक प्रश्न के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि बहुपद का भाग कैसे किया जाता है। इसके बनाने के दो मेथड है। अगर आप ज़्यादा सवालों का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे और आप अपने गणित को मजबूत कर सकें। ठीक है, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक सवाल लिया गया है। इन सवाल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि बहुपद का भाग कैसे किया जाता है। देखिए, सबसे पहले बहुपद का भाग आप सभी को बता दूँ कि बहुपद का भाग करने के लिए दो नियम होते हैं। पहला नियम आपका हो जाएगा भाग विधि द्वारा। ठीक है, और दूसरा जो नियम हम लोग का है वो है गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, आज की इस वीडियो हम लोग दोनों विधि को अप्लाई करेंगे और उनके द्वारा सीखेंगे कि बहुपद का भाग को कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले यह जो सवाल है कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 को x माइनस 2 से भाग दें। मतलब यह जो बहुपद दिया हुआ हम लोग को इस पद से भाग देना, मतलब x माइनस 2 से भाग देना। तो सबसे पहला नियम हम लोग भाग विधि द्वारा अपनाएंगे, भाग विधि द्वारा इसको बना लेंगे और उसको सीख लेंगे, उसके बाद गुणनखंड विधि द्वारा सीखेंगे। तो चलिए, भाग विधि क्या है? भाग विधि कहने का मतलब क्या, जैसे आप किसी संख्या को भाग देते हैं इस तरीके से, है ना, जैसे किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं इस तरीके से। जैसे मान चलिए आपको कभी यहाँ पर दिया हुआ रहता है कि 10 को 2 से भाग दीजिए तो आप तुरंत में आसानी से कर लेते हैं। लेकिन वहीं पर अगर यदि आपको बहुपद का भाग दे दे और इस तरीके से बनाने के लिए कहा जाए तो वहाँ पर थोड़ा आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस कारण से जो है हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे कि कैसे इसको आसानी से बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले लिख लेंगे भाग किसको किससे देना है। भाग देना है x माइनस 2 से। तो भाग का जो फॉर्मेट होता है इस तरीके से होता है, है ना। तो x माइनस 2 से भाग देना है तो x माइनस 2 को यहाँ रखेंगे, जिससे भाग दिया जाता है इसको भाजक कहते हैं। तो x माइनस 2 यहाँ हो जाएगा क्योंकि ये भाजक वाला टर्म है, भाजक। इसको क्या कहते हैं? भाजक, जिससे भाग दिया जाता। और ये है भाज्य, ये क्या होता है? भाज्य होता है। और यहाँ होता है भागफल। और अंतिम में जो इसके अंतिम में जो बचता है उसको कहते हैं शेषफल। इतना तो आप सभी को पता ही है। तो जो सवाल हम लोग का है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 10, इसी में से किससे भाग देना है? x माइनस 2 से। देखिए, जब भी आपको बहुपद का भाग मिले तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें ये जो पहला पद है इस पहला पद को कटाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, कहने मतलब भाजक में से ऐसा क्या संख्या से गुणा किया जाए ताकि मेरा पहला पद मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x है तो हमको यहाँ एक्स स्क्वायर को पूरा करना है। एक्स स्क्वायर को पुराना है। तो क्या करेंगे, तो इस x में अगर यदि एक और x से यहाँ पर गुणा कर दिया जाए, मतलब भागफल में x रख दें तो क्या होगा? भागफल में x रखने के बाद क्या होता है, ये भागफल जाके इसमें भी गुणा होता है और इसमें भी गुणा होता है। तो x गुणा जब x होगा तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर। देखिए, इस x के सामने कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह समझा जाएगा, और यहाँ माइनस 2 है तो प्लस माइनस क्या होता है? तो माइनस होता है, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे। माइनस लगा दिए, उसके बाद 2 गुना x है तो क्या होगा? 2x। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग का अगला स्टेप जो होगा, अगला स्टेप ये होगा, यहाँ पर देखिए ऊपर में एक्स स्क्वायर भी प्लस के रूप में है और नीचे में भी एक्स स्क्वायर प्लस के रूप में है। चूंकि हम लोग को इसको कटाना है तो अपने मन से क्या करेंगे, इसका चिन्ह को परिवर्तित कर देंगे। मतलब यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ माइनस दे देते हैं और यहाँ माइनस है तो प्लस दे देते हैं। ये भाग का नियम होता है। जब भी बहुपद का भाग बनाते हैं तो हमेशा जब गुणा करने के बाद जो पद आता है उसका चिन्ह को परिवर्तित कर दिया जाता है, तभी जा करके वह कटता है। तो यहाँ देखिए, ये प्लस में एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? कट जाएगा, है ना, पूरा कट जाएगा। आप सभी को पता है जब भी कोई सेम संख्या रहेगी या सेम चर संख्या रहे तो क्या होता है, प्लस माइनस में वो कट जाता है। यहाँ पर देखिए, इसके आगे अब बच गया, इसके आगे बच गया प्लस 3x, और यह चिन्ह का अब कोई मायने नहीं रहता है। नीचे वाला जो चिन्ह है उसको देखना है। तो यहाँ प्लस 3x प्लस 2x मिलकर कितना हो जाएगा? प्लस 5x। तो प्लस को यहाँ पर नहीं लिखा जाता है इसलिए वो छुपा हुआ हमेशा रहता है, इसलिए उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलिए 10। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या है? 5x। तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि जब भी भाग करेंगे बहुपद का तो क्या करेंगे, पहला जो पद है उसको कटाने का प्रयास करते हैं, मतलब उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं।
तो यहाँ पर हम लोग क्या है, 5x यहाँ पर x है, तो ऐसा क्या संख्या से गुणा करेंगे, ऐसा किस संख्या से गुणा करेंगे जो कि यहाँ पर 5x आ जाएगा। ठीक है, तो -5 से गुणा करें, मतलब -5 दे देंगे तो यहाँ पर 5 गुणा एक्स होगा, तो -5x, सॉरी माइनस नहीं, यहाँ +5 से देंगे। ठीक है, +5 देंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 गुणा एक्स तो 5x। ठीक है, उसके बाद 2 गुणा 5 होगा तो क्या होगा, -10 होगा। क्यों माइनस हो गया यहाँ पर, क्योंकि इस 2 के सामने माइनस है, इस 5 के सामने प्लस है, तो आपको, आप सभी को पता है कि माइनस और प्लस मिलकर क्या होता है, माइनस होता है। हो गया इतना। अब क्या करेंगे, इसका चिन्ह को परिवर्तित करेंगे, चिन्ह परिवर्तित करने मतलब उल्टा पुल्टा चिन्ह कर देंगे, मतलब यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। देखिए ये क्या हुआ, कट गया, ये भी 10-10 कट गया, मतलब जीरो शेषफल जो बचा वो जीरो बचा, शेषफल हम लोग का आया, शेषफल कितना आया, तो जीरो आया। ठीक है, तो आपका भागफल कितना आया, x प्लस 5। तो आपका हमेशा आंसर में जो लिखा जाता है भागफल को ही लिखा जाता है, इसलिए आंसर बराबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हम लोग का x प्लस 5। चलिए ये तो हो गया आपका पहला मेथड जो कि भाग विधि द्वारा इसको बना लिए। इसका एक और मेथड है, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि मेथड टू इसको लिख लेते हैं, मेथड दो में है गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा कहने मतलब क्या होगा कि इस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 को भाग देना x माइनस 2 से, तो उसको बनाएंगे गुणनखंड विधि द्वारा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, इसको भाग देना किससे, x माइनस 2 से। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको बट्टे के रूप में लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इस तरीके से, x माइनस 2। और ऊपर वाले क्या करेंगे, ऊपर वाले का गुणनखंड कर लेंगे। ऊपर वाले का गुणनखंड कैसे करते हैं, आप सभी को पता है कि गुणनखंड का क्या नियम होता है, गुणनखंड को कैसे किया जाता है। अगर यदि आप उस वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से भी जाके आप देख सकते हैं, अन्यथा आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वहां पर भी देख सकते हैं। तो चलिए गुणनखंड कर लेते हैं, तो क्या होगा, यहां पर शुरू में इसका नियम है कि शुरू गुणा अंतिम पुराना पिछला, तो कहने मतलब इस शुरू वाले को अंतिम वाले से गुणा कर लेते हैं। यहां एक है कुछ नहीं तो एक माना जाएगा, और यहां 10 है, एक गुणा 10 तो 10। अब 10 का ऐसा दो फैक्टर किया जाता है, 10 को ऐसे दो भागों में बांटा जाता है जो कि गुणा करने पर 10 और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो हम लोग को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि 5 गुणा 2 करते हैं तो क्या होता है 10, 5 में 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 3। क्लियर है, तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x और 5 में 2 घटाना है तो -2x माइनस 10 बट्टे में हो जाएगा एक्स माइनस 2। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखिए इन दोनों पद में कॉमन क्या आ सकता है, कॉमन आएगा सिर्फ x, क्योंकि संख्या इसके सामने कुछ है नहीं, तो x कॉमन आएगा, तो x प्लस 5 हो गया। और यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, इसमें और इसमें माइनस 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके भी सामने माइनस है, इसके भी सामने माइनस, तो माइनस पहले कॉमन ले लिए, और 2 का पहाड़ा में 10 आता है तो इसलिए 2 को कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, यहाँ पर बचा x और यहाँ प्लस में बचा 5, बट्टे में हो गया आपका x माइनस 2। चलिए फिर से इन दोनों पद में सेम दिख रहा है, x प्लस 5, तो इसको फिर से कॉमन लेंगे, x प्लस 5 को कॉमन लिए तो यहाँ पर बचा x और यहाँ बचा माइनस 2, आगे छोटा के रूप में x माइनस 2 नीचे में है तो x माइनस 2 दे दिए। अब देखिए सेम ऊपर नीचे कुछ दिख रहा है, ऊपर नीचे सेम दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है, तो x माइनस 2। आपको पता है कि भाग में जब भी सेम ऊपर और नीचे रहता है तो क्या होता है, वो कट जाता है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, बचेगा x प्लस 5। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी कि भागफल जो आया आपका x प्लस 5। देखिए दोनों का सेम आंसर आ गया, मतलब दोनों विधि में से कोई भी विधि के द्वारा हम लोग भाग को अगर बनाते हैं तो उसका आंसर कभी परिवर्तित नहीं होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख देंगे, और इसी तरह का ढेर सारे वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ बेसिक मैथ से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।